इट्स मी कश्मीर अवध से वेलकम टू अवध कॉन्वेंट स्कूल दिस क्लास इज हिंदी। आज की आपकी क्लास कौन सी है? हिंदी की। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सेवन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सिक्स चैप्टर तक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास क्या रहेगी? क्लास आपकी फर्स्ट है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेवन। पार्ट क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। पाठ का नाम होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्या होगा? अध्याय। अध्याय का नाम, अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम क्या है? मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैं बड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, ये क्या है? ये हमारे अध्याय का नाम है। क्या है अध्याय का नाम हमारा? मैं बड़ा हो रहा हूँ। मैं बड़ा हो रहा हूँ का मतलब तो आप जानते ही होंगे। सभी पहले स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, फिर उसके बाद में बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। ऐसे ऐसे करके उनका ग्रो क्या होता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। तो चैप्टर में भी कह दिया हुआ है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं। जुलाई का महीना था, रिमझिम पानी बरस रहा था। माँ बगीचे में मादी से कह रही थी, अच्छी वर्षा हो रही है रामधन, इस बार पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे। जो बच्चा होता है वो क्या कहता है कि जुलाई का महीना था। कौन सा महीना था? जुलाई का। और रिमझिम सी यानी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और उसकी जो माँ थी वो बगीचे, बगीचा आपने देखा होगा फूलों से भरा हुआ बगीचा, उसमें बगीचे में माली, जो माली कौन होता है? जो बगीचे की देखरेख करता है। तो माली से बोल रही है कि अच्छी वर्षा हो रही है इस बार, यानी कि पानी अच्छा गिर रहा है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। अरुण ने सुना, वह भी जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता था। जो अरुण था ना, जो प्यारा सा छोटा सा बच्चा था, उसका नाम क्या था? अरुण। जैसे आपका नाम है, किसी का नाम रिमझिम है, किसी का नाम काजल है, किसी का नाम दिया है, किसी का नाम रोहित है, ठीक उसी तरह एक बच्चा है, उसका नाम भी क्या है? अरुण। तो अरुण क्या बोलता है? अरुण सुनकर, माँ की आवाज सुनकर वो जल्दी बाहर आता है और अपनी माँ से क्या बोलता है कि मैं भी जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ बड़े भैया की तरह। यानी कि वो बोलता है कि मैं भी अपने बड़े भाइयों की तरह बड़ा होना चाहता हूँ, पिताजी की तरह, यानी कि भैया की तरह, पिताजी की तरह मैं भी जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। बाहर तेज वर्षा हो रही थी, अरुण चुपके से बाहर निकल कर गया और बारिश में भीगने लगा। उसके घर के पास में बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो जो प्यारा सा बच्चा था वो अपने घर से बाहर निकला और उस बारिश में क्या करने लगा? उस बारिश में भीगने लगा। आप लोगों के घर में पानी गिरता है, आप लोग भी बारिश में भीगते हो, उसी तरह अरुण बारिश में भीगने लगा। और वह मन ही मन सोच रहा था, अब मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। और जो और वो मन ही मन क्या सोच रहा था कि अब मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। वो मन ही मन ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसकी माँ ने क्या बोला था कि पेड़ों को वर्षा हो रही है, पेड़ों को पानी लगेगा तो वह जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो अरुण को क्या लगा कि पानी से हर चीज बड़ी हो जाती है। तो अरुण भी बारिश में भीगने लगा। क्यों भीगने लगा? क्योंकि वो चाहता था कि मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊं। बट ऐसा नहीं होता, बारिश में गीले होने से कोई बड़ा नहीं होता है। अचानक माँ ने खिड़की से झांका, अरे ये अरुण वहाँ क्या कर रहा है, कितना भीग गया है। उसकी माँ ने उसको खिड़की में से देखा और उसकी माँ बोलती, अरे ये अरुण क्या कर रहा है, ये तो पानी में भीग रहा है। अरुण अरुण जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर क्यों भीग रहे हो? उसकी माँ बोलती है कि अरुण अरुण जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश में क्यों भीग रहे हो? नहीं, मैं बड़ा होना चाहता हूँ, देखो मैं बड़ा हो रहा हूँ, अरुण ने भीगते हुए कहा। उस अरुण ने उसकी माँ से कहा, क्या कहा कि नहीं मैं बड़ा होना चाहता हूँ इसलिए मैं बारिश में भीग रहा हूँ। मुस्कुराते हुए माँ बाहर आई, वह अरुण को हाथ पकड़कर अंदर ले गई, उसके कपड़े बदले और बालों को तौलिए से सुखाते हुए बोली, पागल कहीं का, वर्षा पेड़ पौधे बढ़ते हैं, तुम्हें बड़ा होना है तो अच्छी चीजें खाओ पियो, दाल रोटी फल सब्जी सब कुछ, फलों का रस पिया करो, और हाँ जरूरी है कि सदा
ज्यादा खुश रहो। उसकी माँ ने क्या बोला, मुस्कुराती हुई उसकी माँ ने बोला कि बारिश से सिर्फ पेड़ पौधे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे बड़े कैसे होते, जब वो विटामिन से भरा हुआ भोजन, रोटी, फल, फ्रूट, रस, ये सब चीजें खाते हैं तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आप लोगों को भी दाल, रोटी, फल, सब्जी, रस, ये सारी चीजें पीना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ बढ़ जाती है, यानी कि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाते हैं। सर्दी आ गई है, माँ अपनी कपड़ों को धूप में डाल रही थी। अरुण ने अपना स्वेटर उठाया और पहनने लगा। स्वेटर बड़ी मुश्किल से आया, अरुण को बहुत छोटा लगा। अरुण माँ से बोला, माँ ये मेरा ही है, कितना छोटा हो गया है। माँ सुनकर बोली, स्वेटर छोटा